तो सालाना टर्नओवर क्या होगा आपका, उसमें से बचत कितना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सालाना टर्नओवर का मतलब, जैसे देखिए एक एवरेज में आप मान के चलिए कि लगभग लगभग 20 लाख रुपए बच जाता है। बच जाता है, हाँ ठीक है। खर्चा कितना जाता है अगर बात की जाए? खर्चा 10-12 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। 10-12 लाख रुपए का खर्चा आता है। हाँ। इतनी बकरियों पे इतना ज्यादा कम खर्चा आता नहीं है, लेकिन हम लोग का अपना सिस्टम ऐसा है कि हम लोग इतने कम खर्च में पाल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ दोस्तों नमस्कार, आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं AR गोट फार्म पे, और यहाँ पे लगभग 300 प्लस बकरियों का भी पालन हो रहा है जो कि बर्बरी नस्ल की है। जो युवा ये बकरी पालन कर रहे हैं उनकी उम्र मात्र 24 साल है। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं दो फार्म, आप देख सकते हैं जहाँ पे पहले ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन होता था, बाद में उनको ब्रॉयलर में घाटा होने के कारण उन्होंने ब्रॉयलर मुर्गी का फार्म बंद करके और बकरी पालन स्टार्ट किया, और बहुत ही कम से स्टार्ट करके आज लगभग 300 प्लस बकरियों का पालन कर रहे हैं, और इसको अपने खेतों में चराई भी करते हैं फुल टाइम। ये बात कीजिए कि हरे चारे पे बकरियों को रखते हैं, और यहाँ से बात कीजिए कि एक बहुत ही कम एज में अभी यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर बात कीजिए कि सालाना ये लगभग 18 से 20 लाख रुपया यहाँ से कमा रहे हैं। तो आइए भाई साहब से आपको मिलाते हैं और देते हैं जानकारी कि ये कैसे कर रहे हैं, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, और इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, इतने कम एज में यहाँ तक ये कैसे पहुँचे, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। भाई साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक फार्मिंग एडियाज में। जितने भी सामने से किसान भाई आपको देख रहे हैं उनके लिए आप अपने फार्म को और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। हमारा नाम अहकाफ शेख है और ये जगह है आमक, UP आजमगढ़। जी जी, अच्छा जी। तो यहाँ पे भाई साहब हम देख रहे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा लॉट में, काफी ज्यादा संख्या में आप अभी यहाँ पे बकरी पालन कर रहे हैं जो कि बर्बरी नस्ल की बकरियाँ है। तो थोड़ा सा आप हमें अपना जर्नी शेयर कीजिए। ये जो हम फार्म देख रहे हैं, पहले मुर्गी फार्म था जी, और मुर्गी फार्म को ही आपने बकरी फार्म में कन्वर्ट कर दिया, बकरी फार्म में बदल दिया जी। तो कैसे शुरुआत हुआ इसका, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। असल में मुर्गी फार्म में कंपनी की वजह से थोड़ा बहुत लॉस होने लगा है, मुर्गी फार्म हम लोग के लिए सक्सेस नहीं था, तो हम लोग मुर्गी फार्म बंद कर दिए। अच्छा जी। हाँ, फार्म खाली था तो बकरी फार्म का प्लान हुआ, तो बकरी फार्म चालू किए। अच्छा जी। हाँ, और धीरे धीरे करते करते आज हम लोग को 5 साल हो गया। अच्छा जी। हाँ, ये 5 साल से बकरी फार्म आप कर रहे हैं जी। यहाँ पे दो फार्म आपका देख रहे हैं जो कि जिसमें अभी ब्रॉयलर मुर्गी का पालन आप कर रहे थे। हाँ ठीक है। फार्म का थोड़ा सा साइज बताइएगा, कितना फार्म का साइज होगा? फार्म की जैसे चौड़ाई 30 फीट है, लंबाई 300 फीट है। 300 फीट है दोनों फार्म की साइज एकदम एक ही है। ठीक है। तो ब्रॉयलर मुर्गी का पालन आप कब से कर रहे थे, कितना समय पहले? ब्रॉयलर फार्म 2008 से लगभग था। 2008 से लगभग था। 2008 से आपने कब तक किया? 8-10 साल किए होंगे। 8-10 साल हाँ। किए होंगे। और बकरी पालन आप अभी लगभग मतलब 4-5 सालों से कर रहे हैं। हाँ। ठीक है। बकरी पालन स्टार्ट आप ही ने किया अभी? हाँ, बकरी फार्म। आप ही। आपका एज लगभग अभी क्या होगा? मेरी एज 24। 24 है जी। 24 की एज में मतलब 24 साल की एज में भी एक सफल बकरी पालन आप चला रहे हैं यहाँ पे, और वो भी काफी ज्यादा संख्या में पालन कर रहे हैं आप। हाँ, असल में क्या है कि जिसे पालन, बकरी पालन ऐसा है कि अगर आप इसको सिस्टम से कर रहे हैं, सही मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं जी, तो कितना भी ज्यादा जानवर आप पाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। हाँ, अगर आपका मैनेजमेंट नहीं ठीक है तो उसके बाद आप 10-20 बकरी भी पालेंगे तो परेशान रहेंगे। बिल्कुल। तो भाई साहब अभी बात कीजिए कि अभी आपके पास बकरियों की संख्या कुल कितनी है? अभी फिलहाल 300 जानवर है। 300 जानवर है। इसमें से आपका मदर जानवर कितने हैं और बच्चे कितने आए हुए हैं? इसमें से मदर जानवर टोटल होंगे 120-130 मदर हैं, बाकी सब ये मेल हैं और क्या नाम से छोटे बच्चे हैं। बाकी सब छोटे बच्चे हैं। ये कि आपके पास जो बकरी देखने को मिल रहा है बर्बरी नस्ल की बकरी? हाँ, ज्यादातर बर्बरी है, थोड़ा कुछ क्रॉस ब्रीड में भी है, कुछ देसी भी है, ज्यादातर बर्बरी है। ज्यादातर बर्बरी है जी। ठीक है। तो जब आपने स्टार्ट किया था उस समय कितना बकरी से किया था? हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो बहुत छोटे लेवल पे किए थे, जैसे मान के चलिए 10 बकरी शुरू में थी। अच्छा जी। फिर उसके बाद लेके आए हैं बकरी 40-50 बकरी फिर लेके आए हैं। फिर लेकर के आए हैं और उसी से आपने फार्म को बढ़ाया है। हाँ, अच्छा जी। तो लगभग यहाँ तक आने में आपको 5 सालों का समय लगा। हाँ ठीक है। और अभी आपके पास 300 प्लस लगभग बकरियाँ बच्चे मिला करके अभी है। ठीक है। 120 बकरियों पे ब्रीडर आप कितना रखे हुए हैं अभी आपने? अभी तो फिलहाल हमारे पास 4 ब्रीडर हैं और बाकी ब्रीडर हमने सेल कर दिया है। बाकी ब्रीडर आपने सेल कर दिया, तो इतने ब्रीडर से काम चल जाता है लगभग? हाँ, असल में बकरियां जितनी भी हैं फिलहाल सब प्रेग्नेंट है टोटल। अच्छा जी। हाँ, तो ब्रीडर की अभी जरूरत है ही नहीं। ओके। फिर भी 4 ब्रीडर रखे हुए हैं इसलिए कि जरूरत पड़ सकती है। जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। बाकी आपने सेल कर दिया जी। तो एक बात हमें बताइए, ये पहले जो आपका पोल्ट्री फार्म था, ठीक है, और पोल्ट्री फार्म को आपने कन्वर्ट किया बकरी फार्म में, तो इसमें तो खर्चा भी आया होगा। आपने देख रहे हैं कि साइड साइड में खुरली बनाया हुआ है, इनके लिए केज बाई केज बनाया हुआ है, इसमें कितना खर्चा आया लगभग? ये देखिए, पोल्ट्री फार्म तो पहले से बना हुआ था तो हम लोग को ये साइड का कुछ बनाना नहीं पड़ा है, ये अंदर अंदर का बनाना पड़ा है, तो इसमें लगभग 3-3.5 लाख रुपए खर्चा आया। 3.5 लाख का खर्चा आया। हाँ। आपने एक ही फार्म को कन्वर्ट किया है, दूसरा वाला फार्म में देख रहे हैं कि आपने चौकी तो की पटरा लगाया हुआ है इनके बैठने के लिए। हाँ ठीक है।
और हम आपकी बकरियां लगभग 300 प्लस बकरियां आपके फार्म पे है, और काफी हम कम देखते हैं कि इतनी बकरी को कोई चराई पे रखता है, लेकिन आप 300 बकरियों को भी चराई पे रखते हैं। हाँ। तो इसका क्या हिसाब है, थोड़ा सा समझाइए। इसका हिसाब ये है कि जैसे बकरी चराई पे जो रहती हैं, एक तो बकरी बीमार नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज ये है, और बकरी में ग्रोथ भी अच्छा रहता है, साइनिंग भी अच्छी रहती है, सब कुछ, मतलब बकरी जो है चरने वाला ही जानवर है। अच्छा जी। आप मान के, हाँ, हम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इसको पाल लिए हैं फार्म में, स्टॉल फीड पे रखने लगे हैं, लेकिन बकरी है, गाय, कोई भी ऐसा जानवर जो है वो चरने के लिए ही बना है। अच्छा जी। तो जो जानवर चरता है तो वो अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस करता है। बिल्कुल। और हम लोग शुरू से ही बकरी को चरा रहे हैं, तो इसकी वजह से बकरी को चराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल। हाँ, जरूरत पड़ने पर भाई स्टॉल फीड पे भी रखते हैं इसको। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब शुरू से चला रहे हैं तो बकरी भी चरना पसंद करती है। बकरी चरना पसंद करती ही है, कोई भी बकरी थी, कहीं ना कहीं खर्चा भी कम आता है चराने में। खर्चा तो बहुत कम हो जाता है। खर्चा बहुत कम। हाँ, आपका अगर ऐसे 10 रुपये खर्चा आता है, अगर आप बकरी चरा के रखते हैं तो 2 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये। अच्छा, इतना ज्यादा का फर्क, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो आपके पास 300 बकरियां है, काफी ज्यादा लॉट माना जाएगा बकरी पालन में, इतना मतलब कमी फार्म देखने को मिलता है जी, और इस एज में भी आप सफल चला रहे हैं, तो इतने बड़े फार्म को मैनेज करने के लिए कितने व्यक्ति हैं आप, कितने लोग मैनेज कर रहे हैं लगभग? पूरे फार्म का टोटल है 3 स्टाफ है, बस 3 स्टाफ। हाँ। है, वो लोग मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, चराने का शेड्यूल क्या है, कब कब चराते हैं इनको? सुबह में शाम में, 2 टाइम चरती हैं बकरियां, सुबह में चरती हैं शाम में चरती हैं। अच्छा जी। किसी वजह से कभी कभी नहीं चर पाती हैं तो फार्म में बंद रहती हैं, खाती हैं, बंद रहती हैं। फार्म में इनको अगर खिलाना हो तो फार्म में क्या क्या खिलाते हैं इनके लिए? फार्म में अगर जैसे बंद रहती तो ये अपना दलहनी भूसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हरा चारा हो गया और ये दाना हो गया। दाना हो गया, तो ये दाना और दलहनी भूसा आप इस समय इस्तेमाल करते हैं, अभी दे रहे हैं अभी इनको? नहीं, इस टाइम तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ज्यादातर दाना और ये भूसा जो जब बारिश होती है तब इस्तेमाल होता है, या तो बाकी ठंडी के पूरे टाइम ठंडी के मौसम में इस्तेमाल होता है। ठंडी में बकरी जो देख रहे हैं आप, बकरी फुल टाइम में लगभग 2 टाइम चरा रहे हैं, और फार्म पे जो है अपने ही खेतों से जो हरा चारा लगाए हुए हैं आप उसको निकाल करके फार्म पे खिलाया जा रहा है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं दे रहे हैं? अभी कुछ नहीं। बिल्कुल। तभी बात कीजिए कि एक अच्छा खासा यहाँ पे हम खेती भी आपका देख रहे हैं, जिसमें आप हरा चारा भी लगाए हुए हैं। कितना खेती इस्तेमाल कर रहे हैं आप इनके लिए? खेती लगभग 10 बीघा होती है। 10 बीघा है। हाँ। क्या क्या हरा चारा लगाए हुए हैं आप इनके लिए? हरे चारे में नेपियर है फिलहाल, है सुडान है जो चरी बोलते हैं। अच्छा जी। बाकी ये बाजरा है। अच्छा जी। हाँ, अभी 10-15 दिन बाद मौसम थोड़ा बरसात का खत्म होगा तो ये अल्फा लग जाएगा। हाँ। मतलब इनके लिए जो सफिशियंट हरा चारा है। हाँ। वो आप पूरा प्रॉपर तरीके से लगाए हुए हैं। हाँ। मतलब हरा चारा की सालों भर दिक्कत नहीं होती आपके पास? नहीं, नहीं, हरा चारे की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। ठीक है। और सीजन वाइज अगर बात कीजिए, जैसे सर्दी हो गया या बरसात हो गया, उस समय आप इनको सिर्फ भूसा और फीड देते हैं। हाँ। ठीक है, उस समय क्या फीड में अगर बात कीजिए, क्या क्या दिया जाता है इनको? फीड में जब हम लोग फीड देना चालू करते हैं तो हम लोग जिसे एक अपना मिक्स फीड बनवाते हैं। अच्छा। मिक्स फीड में हम लोग का रहता है जैसे मक्का हो गया, सोया है। अच्छा जी। उसमें बाकी ये मिनरल हो गया, नमक है। अच्छा जी। हाँ, कैल्शियम हो गया। बिल्कुल। पूरा ऑल टोटल जौ हो गया। अच्छा। एक ऐसा फीड बनवा देते हैं जिससे बकरी को प्रॉपर हर एक चीज मिल जाए। ओके। और भूसा में बात कीजिए, क्या क्या किस किस चीज का भूसा दे पाते हैं आप? दलहनी भूसा देते हैं मेन, जैसे चना का भूसा होता है जी। हाँ, कभी कभी ग्वार का भूसा हो गया। अच्छा जी। ज्यादातर चने का हो जाता है। अच्छा जी। हाँ। तो भाई साहब, आपका जो बैकग्राउंड बकरी पालन का था ही नहीं, आपके पिताजी ने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया था जी। ठीक है, तो बकरी पालन में शुरुआत आपने किया है कि आपके पिताजी ने? नहीं, बकरी की शुरुआत तो हम ही लोग ने किया है। अच्छा। हाँ, जिससे बकरी का शौक था बचपन से। अच्छा जी। हाँ, 2-4 बकरी रखने का घर पे ही रखते थे। हैं? बिल्कुल। तो बकरी 2-4 बकरी घर पे रखते थे, तो ऐसे ही फार्म पे ला के रख दिए। अच्छा। फार्म पे रखे तो धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, तो एक हिसाब से बढ़ते बढ़ते बिजनेस मतलब जैसा डिमांड आया उस हिसाब से आप बढ़ा रहे हैं अभी। हाँ। और एक अच्छा लेवल पे अभी चला रहे हैं जी। एक चीज और देख रहे हैं आपके फार्म में, हम बच्चों का जो केज सिस्टम आप बनवाए हुए हैं, काफी अच्छा हमें देखने को लग रहा है कि एक हाइट पे आपने बनवाया जी, हुआ है जी। तो इसका क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बताइए। ये इसलिए बनवाया जाता है, जैसे एक तो बच्चा जमीन में रहता है तो मट्टी खाता है, या ज्यादा क्वांटिटी बकरी रहने की वजह से क्या गंदी चीज खा लेता है। बिल्कुल। छोटा बच्चा होता है और माँ के वो हर बार बार परेशान करता है दूध पीने के लिए जी। तो इस पे वो सेफली आराम से रहता है, और जल्दी इसमें खाना पीना रखा रहता है तो जल्दी खाना पीना सीख जाता है जी। हाँ। और मतलब उसी जगह में उसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। इसके लिए अलग से जगह आप नहीं, अलग से नहीं कोई कर जगह कर नहीं, अलग मतलब उसी जगह में भी रह जाता है। बिल्कुल। तो आकाश भाई, अब हमारे किसान भाइयों को अपना एक बिजनेस मॉडल हमें समझाइए कि आप अभी किस बिजनेस पे काम कर रहे हैं, क्या मतलब आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं,
क्या है आपका बिजनेस मॉडल, इसके बारे में समझाइए थोड़ा। बिजनेस मॉडल देखिए ऐसा है कि जैसे हम लोग का मेन ब्रीडिंग सेटअप ही है। अच्छा जी, ठीक। हाँ, जो भी जानवर है सब फार्म के रहते हैं, टोटली वैक्सीनेटेड जानवर रहते हैं। एक भी जानवर आप पूरे फार्म में देखेंगे 300 जानवर हैं, बिल्कुल कोई भी बीमार नहीं होगा, एक भी जानवर नहीं। बिल्कुल, मतलब इनको प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीन करते रहते हैं। प्रॉपर वैक्सीन होती है, डिवार्मिंग होती है, इनको हर एक चीज की जरूरत जो इनको होती है वो दिया जाता है। अच्छा जी, हाँ ठीक है। सप्लाई बात कीजिए, कहाँ कहाँ भी बेच रहे हैं आप? किसान को बेच रहे हैं या बकरीद के लिए भी काफी डिमांड आता है? हाँ। तो कैसे आपका, कितना कितना क्वांटिटी सेल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हम लोग को क्या है कि किसान को भी देते हैं, फार्मर हो गया, छोटा फार्मर है, नया फार्म चालू करना चाहता है, 10-20 बकरी की जरूरत उसको होती है, उसको देते हैं। बाकी कुर्बानी के टाइम में माल निकलता है, ये बकरा अपना जो होता है। अच्छा जी, हाँ। कुर्बानी के टाइम में भी सेल अच्छा होता है? कुर्बानी के टाइम में भी सेल अच्छा होता है, और क्या नाम से ज्यादातर माल ये जो किसान अपने होते हैं जी, पालने वाले वो लेके जाते, हैं। जो बकरियां पालने वाले लोग होते हैं जो नया फार्म चालू करते हैं। तो अभी बात कीजिए कि साल में कितना बकरी अपने फार्म से सेल कर देते हैं, बकरा या बकरी मिला करके? 300 आप एक एवरेज में मान के चलिए, 300 मतलब बकरी या बच्चे या बकरा मिलाकर। हाँ, टोटल जानवर 300 से फार्म से सेल करते हैं। उसमें से कुर्बानी के लिए कितना बकरा जाता है? वही रहते हैं 100 लगभग बकरे हो जाते हैं। हाँ, बाकी ये अपनी पार्ट हो गई है, छोटा बच्चा हो गया है, बकरी हो गई, ये किसान भाई लेकर के जाते हैं। हाँ। और मोस्टली बात कीजिए कि आप सिर्फ बरबड़ी में ही, ज्यादातर बात कीजिए कि बरबड़ी में ही आप सप्लाई करते हैं, ठीक है। और बकरी भी देख रहे हैं आपकी हेल्दी है काफी, कहीं ना कहीं चराने से एक तो कॉस्ट भी कम आ रहा है और स्वस्थ रहती है बकरी। हाँ, अपने मन से बकरी आपको देखने में थोड़ा बहुत अगर वैसी लगी भी ना कि हाँ कमजोर टाइप की है जी, लेकिन ये ऐसा होता नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता कि जैसे कि बकरी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, बिल्कुल बकरी बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा जी, हाँ मेन बात ये कि जैसे बकरी भले ही देखने में लग रही है कि हाँ थोड़ा दुबली है या ऐसा है, वो अलग बात है, लेकिन बकरी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं कि बकरी किसी में कोई बीमार हो। कहीं चराई पर रखने से बकरियां थोड़ी सी मतलब उतना जो मोटी होनी चाहिए वो उतना वो नहीं पाती, वो नहीं रहती। हाँ। एक उनका शरीर फिटनेस बना होता है, फिटनेस बना रहता है चराने पे। हाँ। क्योंकि बकरियां वार्म अप करती रहती है, आती जाती रहती है खेतों में, यही है, यही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि ये मोटी नहीं दिखेगी, बाकी क्या नाम से इसके अंदर बिल्कुल फिटनेस में बकरी रहेगी कि हाँ इसमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, बकरी बीमार नहीं होगी, आपको सिर्फ खिलाना रहेगा और इससे प्रोडक्शन लेना है, बिल्कुल। तो एक चीज और देख रहे हैं आप, जो खुरली में हम देख रहे हैं आप जो आपके पास जो एथी है, जनेरा है या नेपियर उपियर घास जो आप लगाए हुए हैं जी, खड़ा ही ला करके आप एथी डाल देते हैं खुरली में, काट करके नहीं दिया जाता है? असल में हम लोग के पास चारा इतना ज्यादा हो जाता है कि ऐसे ही डाल दिए कि मतलब जितना खाएं जो बचाए बचाए हैं। अच्छा जी, हाँ तो ऐसे ही डाल देते हैं। हाँ, इसमें तो चारा भी नुकसान होता होगा? नुकसान तो होता है, नुकसान इसलिए होता है कि जैसे अब देख रहे हैं पूरा बचा हुआ है लेकिन बकरी का पेट एकदम भरा हुआ है कि बकरी खा ही नहीं रही है, बकरी खा ही नहीं रही। हाँ। कहीं कहीं चारा ज्यादा होने के कारण से, चारा ज्यादा होने के कारण। हम आपके देख रहे हैं कि जो खेतों में भी आप चरा रहे हैं तो आप खेत में जो चारा लगा हुआ है उसी में छोड़ दे रहे हैं बकरी को? बकरी को भी उसमें छोड़ दे रहे हैं, चरती रहती है बिल्कुल, और उसमें से जो ऊपर का बचता है हिस्सा वो काट करके लगा देते हैं। तो मतलब चारा में कमी कहीं ना कहीं नहीं होता? चारा में कोई कमी होती नहीं। अच्छा जी, हाँ। और बकरी पालन जैसे आपको अगर आसान करना है तो मेन आप चारे पे, जैसे आपके पास खिलाने पिलाने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए तो आपको बकरी पालन आसान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सालाना टर्नओवर क्या होगा आपका, उसमें से बचत कितना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सालाना टर्नओवर का मतलब जैसे देखिए एक एवरेज में आप मान के चलिए कि लगभग 20 लाख रुपए बच जाता है। हाँ ठीक है। खर्चा कितना जाता है अगर बात की जाए? खर्चा 10-12 लाख रुपए का खर्चा जाता है। 10-12 लाख रुपए का खर्चा जाता है। हाँ। और इतना कम खर्चा कहीं ना कहीं इसलिए होता है मेरे ख्याल से कि आप तो सिर्फ फीड नहीं देते इनको। हाँ, जैसे हम लोग का खर्चा ऐसा इतना, इतनी बकरियों पे इतना ज्यादा कम खर्चा आता नहीं है, लेकिन हम लोग का अपना सिस्टम ऐसा है कि हम लोग इतने कम खर्च में पाल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, इसकी वजह ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा हरा चारा लगाते हैं, बकरी चराई पे रहती है, तो हम लोग का दाने का कोई खर्चा बहुत कम आता है, भूसे का भी खर्चा बहुत कम आता है। तो जब आपका खर्चा नहीं आएगा तो फिर ये तो 10-12 लाख रुपए जो ठंडी में होता है और दवा है, लेबर कास्ट है, ये सब में आ जाता है थोड़ा बहुत। ओके, बिल्कुल। तो दोस्तों यही बात है कि आप भी इस बात पे ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि आकाश भाई ने बताया कि आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो तुम मतलब 10-20 बकरी से स्टार्ट कीजिए, फार्म पे मिनिमम खर्चा कीजिए। हालांकि इनका तो ये फार्म पहले मुर्गी फार्म का था, इसमें इन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपये लगा करके इसको सिर्फ कन्वर्ट किया है, नहीं तो इतने बकरियों के लिए फार्म बनवाना काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी इनके लिए भी आता। तो कम से कम फार्म में लागत लगाइए, 10 बकरी से स्टार्ट कीजिए और मैनेजमेंट थोड़ा सा सीख करके कीजिए कि कैसे किया जाए। क्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में ना करके कम थी क्वांटिटी में कीजिए, बट क्वालिटी पर ध्यान दीजिए तो कहीं ना कहीं रेट भी आपको अच्छा मिलेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टार्ट करने के लिए आप अपने लोकल देहाती ब्रीड से भी कर सकते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो बरबड़ी भी ले सकते हैं या बड़े जानवर भी ले सकते हैं अगर आप संभाल सकते हैं तो, ठीक है। तो इस हिसाब से कीजिए
और लॉस से कहीं ना कहीं बचिए, ठीक है। अगर बकरी फार्म चलता रहेगा, प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे करके मैनेजमेंट करके आप बकरी पालन कीजिए, एक दिन सफल आप भी होइएगा। और इन्होंने भी काफ़ी कम से स्टार्ट किया था, पहले ये ब्रॉयलर फार्म था, इसमें पूरा आप देख सकते हैं, दो फार्म अभी देख सकते हैं आप, इसमें पहले ब्रॉयलर मुर्गी का पालन होता था। इन्होंने, इनके फादर साहब ने स्टार्ट किया था, बट इन्होंने सिर्फ दे थी बकरी पे फोकस किया और बकरी को इस लेवल तक ले आए हैं, और सालाना लगभग 20 लाख तक ये कमाते हैं। और कई लोगों के लिए ये शौक होगा कि कैसे कोई कमा सकता है, इनकी उम्र मात्र अभी 24 साल है, बट इन्होंने कई इतना मेहनत किया है, इतने लेवल तक ये फार्म लेकर के आए, 300 प्लस इनके पास जानवर है, तो बन सकता है, इतने जानवर में तो कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, इनसे भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।